हुजूर ने जब कोई राज की बात करना होती तो हजरत हुजैफा बिन यमान से करते तो फरमाते हैं कि मैं चूंकि हुजूर के साथ नमाज नहीं पढ़ सका था काफ़ी वक्त गुजर गया तो माँ ने मुझे इजाज़त दी हुजूर की खिदमत में हाजिर होने की इस शर्त पे माँ ने छुट्टी दे दी कि हुजूर से जाके मेरे लिए भी और अपने लिए भी मगफरत की दुआ करवाना चूँकि सहाबा की शदीद आरजू होती थी कि हुजूर के हाथ उठ जाए उन्हें पता था कि ये हाथ उठ जाए तो बाबे इजाबत तक पहुँचते हैं फिर खाली नहीं मोड़े जाते तो कहा कि हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए मगफरत की दुआ करवाना माँ ने इजाज़त दे दी तो ये हुजूर की खिदमत में आए कहते हैं मैंने मगरब की नमाज़ पढ़ी और सलाम फिरा तो मेरे दिल में था कि हुजूर से मिलूँ और कहूँ कि हजूर मेरे लिए मेरी माँ के लिए मगफरत की दुआ कर दीजिए लेकिन हजूर नवाफल में ऐसे मशगूल हुए कि मुझे मौका ना मिल पाया हती कि शाह का वक्त हो गया इशा की अजान पुकारी जाने लगी हुजूर ने नमाज इशा पढ़ाई सलाम फिरा तो मेरे दिल में था कि माँ ने जाते ही पूछना है कि दुआ करवाई थी तो क्या जवाब दूंगा मगरब की नमाज़ की छुट्टी मिली इशा भी हो गई और मरज नहीं कर सका तो मैं अभी सोच ही रहा था कि हुजूर हुजरा अनवर की तरफ बढ़ गए अब जिन्होंने मस्जिद नबवी की हाज़री का शरफ़ पाया है वो जानते हैं कि मुसल नबवी से हुजरा रसूल का फासला ही कितना है और जिन्होंने ये शर्फ नहीं पाया मेरी दुआ है कि वो उड़ के मदीने चले जाएँ सच्ची बात है जिसने वो शहर नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा जिन वेग के अखियाँ ठहर दियाँ ने जिन वेग के ठरदा सीना है रब्बा तेरी सारी खुदाई बिचों बसिक्को शहर मदीना है आज इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो वबा फैली है उसकी वजह से जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अज़ियत और दुख का जरिया हैं वहाँ एक बहुत बड़ा दुख है कि मस्जिद नबवी के दरवाज़े भी बंद हैं तो ये दिन थे कि हरम की रौनकें देखने वाली होती मवाज अनवर के सामने दरूदों की बहार होती मदीने में बैठ के हजूर के रोज़े के सामने हजूर अलातम के शहर की पकी हुई खजूरों से इफ़ारी करने का अपना ही लुफ़ होता आज मदीने के लोग भी तरस रहे हैं बचपन से लड़कपन तक और लड़कपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक अस्सी अस्सी साल उम्र हो गई जिन्होंने मुबारक का रोज़ा मस्त नबी से बाहर कभी खोला ही नहीं आज अपने घरों की छतों पर खड़े होकर मीनारों को देखते और चीखे मार रहे हैं अल्लाह इस वबा के दिन मुख्तर कर दे और इस उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर दे तो हुजूर सलाम उठे मुसल अनवर से और अपने हुजरा अनवर की तरफ चल पड़े तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि मैं भी हुज़ूर के पीछे चल पड़ा गैर इरादी तौर पे कुछ रफ्तार तेज़ हो गई तो कदमों से आहट पैदा हुई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मन हाजा कौन है फिर खुद ही हुज़ैफ़ा तो नहीं कुल तो नाम मैंने कहा जी जी हुजूर मैं हुज़ैफ़ा हूँ तो आका करीम इस्लाम ने कोई तो किए बग़ैर फ़रमाया मा हाजतों का गफल अल्लाह वाले उम्मे का अल्लाह तुझे भी बख्श दे तेरी माँ को भी बख्श दे किस काम आए हो अब हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं जो काम था वो तो जुम्बे लब से पहले हो गया यहाँ तो लफ्सों का सहारा नहीं लेना पड़ता वो बंद लबों की बोलियाँ समझते हैं तो कहते हैं कि जो हाजत थी वो तो पूरी हो गई यही तो कहना था कि हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मकफरत की दुआ कीजिए फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया काला इन्ना हाजा मलकुन लम मलाकुन कबला हाज हिल लैला। हुजैफा ये फरिश्ता है जो इस रात से पहले ज़मीन पर कभी नहीं आया ये पहली मरतबा आया है इसताजा न रबह अं सालिया इसने रब से इजाज़त मांगी थी मालिक ते महबूब को सलाम न कराऊँ मुझे सलाम करने आया है लेकिन साथ साथ मालिक ने कहा कि जा रहे हो मेरे महबूब के पास सलामी पेश करने के लिए तो एक तोहफ़ा भी लेते जाओ तो वो भी मुझे देने आया है तो वो तोहफ़ा क्या है सुनो बेअन्ना, फातिमा, फ़ातिमाता सैदा तो नसा अहल जन्ना मुझे खुशखबरी देने आया है कि आपकी बेटी फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और व अनल अन हुसैन सैदा शबाब अहल जन्ना और हसन और हुसैन फ़ातिमा के बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं ये आज खुशखबरी ले करके मेरे पास मुझे सलाम करने आया है तो ये मलिका जन्नत हैं ख़ातून जन्नत हैं सैद नसाह अहल जन्नत हैं कहते हैं कि जब हुजूर आलातम को सैद फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्ल तहा कोई बात करती थी तो हजूर इनकी बात को नहीं टालते थे इनकी बात मान लेते थे तो आज हम सैदा फ़ातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तहा की वसात से हजूर की बारगाह में इसत पेश करते हैं कि इस उम्मत मरहूम पे अल्लाह से रहम की खैरत मांगें और अल्लाह मेरे वतन की खैर करे अमन रहमत और करम नवाज़ियों के उजाले और नूर नसीब हो मेरी कौम की बेटियों को उसवाए फ़ातिमा के उजाले अताओ